नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बडी अध्यात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मौसम खराब हो गया। आज बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है हमारे यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है दोस्तों। हर जगह से रिपोर्ट ये मिल रही है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी सब जगह हो चुकी है। तो दोस्तों बात करेंगे आज आलू के भाव के बारे में, और आप सभी लोगों को दोस्तों एक सरप्राइज़ दूंगा वीडियो के अंत में, और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या चल रहा है इस समय आलू का दोस्तों। और दवाओं के बारे में दोस्तों जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, तो किसानों को काफ़ी लोग दवाएं वगैरह लगा रहे हैं, बाकी वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों जो बात सत्य होती है मैं आप लोगों को बताता हूं, जो बात सही है और जो नॉर्मल अभी चल रहा है इन दिनों में उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज करेंगे आलू के भाव के बारे में बात, और दोस्तों बात करेंगे इस बारिश से क्या इफेक्ट पड़ेगा आलू के भावों के ऊपर, और लोकल आलू में धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सुधार आता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बडी अध्यात। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो बात करेंगे दोस्तों आलू के भाव के बारे में। तो दोस्तों आलू के भाव की बात करें तो मंडी में जो हम भाव लेते हैं वो मंडी में ऐसे लेते हैं कि जैसे 1/38 से पूछ लिया, थोड़ा शक वगैरह लग रहा है तो 2-3 लोगों से और उसी मंडी में बात कर ली, तो उससे क्या होता है कंफर्मेशन हो जाता है, इसलिए भाव उसी हिसाब से लिए जाते हैं दोस्तों। और 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले पूना मंडी की। तो पूना में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू जो बढ़िया जो कोल्ड स्टोर है जो चल रहे हैं, उन कोल्ड स्टोरों का आलू 9 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है। और दोस्तों जो हल्की क्वालिटी का आलू है पूना मंडी में जो पहुंच गया है, जैसे कुल्ला निकला आया किसी में या कोई चीज़ है, वो आलू दोस्तों 5 से लेकर 6 रुपये किलो तक बिक रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इंदौर की। इंदौर का आलू पूना मंडी में कैरेट बिक रहा है, तो इंदौर का आलू बढ़िया अगर एक्स्ट्रा सुपर होगा तो 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहा है, और 1-2 लॉट 15 रुपये किलो तक भी बिक रहे हैं, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 10 से लेकर 11 रुपये किलो तक बिक रहा है। ये दोस्तों कोल्ड स्टोर का आलू पहुँचता है इंदौर का भी। अब बात करते हैं दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र की। तो आज मैं बता देता हूँ यहाँ के भी भाव। यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर आलू यूपी का जो आगरा का पहुँच रहा है वो 7 से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का दोस्तों 5 से लेकर 6 रुपये किलो तक बिक रहा है। और नया आलू दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर औरंगाबाद मंडी में 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है। दोस्तों बेंगलोर की बात करेंगे अब। तो बेंगलोर की अगर हम बात करें तो बेंगलोर में एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू वही बिक रहा है 750 से लेकर 800 रुपये तक, 50 किलो के दोस्तों ये भाव है बेंगलोर के, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 500 से लेकर 600 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नए आलू की। तो बेंगलोर मंडी में नया आलू 850 से लेकर 900 रुपये तक बिक रहा है 50 किलो, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 600 से लेकर 800 रुपये तक बिक रहा है। बात करते हैं दोस्तों चिप्सोना आलू के, चिप्स वाले आलू के जो बढ़िया वो 950 से 1000 रुपये तक बिक रहे हैं बेंगलोर की मंडी में दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक आपको बात बताऊं जरूरी कि कई लोग, मैं डेली दवाओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में, आलू के बारे में जानकारी देता रहता हूं, मशीनरी के बारे में, हर चीज़ में जो आलू से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनके बारे में। तो दोस्तों मैं बताता इसलिए रहता हूँ क्योंकि बहुत मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, 90% लोगों को जानकारी कतई नहीं है कि कौन सी दवा लगाएं क्या करें, उल्टा सीधा लगाते रहते हैं। किसी ने बता दी कि आप कैल्शियम लगाओ तो वो कैल्शियम लगाते जा रहे हैं, किसी ने कह दी कि आप यूरिया लगाओ तो यूरिया अनाप शनाप लगाते जा रहे हैं, अगर ज़रूरत है तो भी और ज़रूरत नहीं है तो भी। तो देखो दोस्तों केमिकल कितना लगाएंगे ज़मीन में, सब लोगों की इम्यूनिटी इतनी कम होती जा रही है, इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि छोटे छोटे बुखार भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब केमिकल की वजह से, तो कोशिश करें जितनी ज़मीन को ज़रूरत हो उतना उसमें इस्तेमाल करें। सरकार से यही निवेदन हम करते हैं और करते रहेंगे कि कोई ऐसा मतलब हर एरिया में व्यवस्था ऐसी की जाए कि मिट्टी की जांच लोग करा सके, डोर टू डोर वाला कोई सिस्टम ऐसा हो जिससे लोगों के पास गाड़ी हो, वो लैब हो, पूरा एक जगह खड़ी हो जाए और लोगों को कार्ड बने और लोगों की मिट्टी की जाँच कराई जाए। दोस्तों ये कोई ऐसा मतलब वैसा काम नहीं है जटिल, पर इसको करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए और इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां अपने भारत में आकर और प्रचार प्रसार करके बड़ा और डिमांड बना करके ऐसे करके, और जो केमिकल विदेशों में बैन है वो केमिकल हमारे इंडिया में आके अनाप शनाप बिक जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो उनके एम्प्लॉई हैं वो लोग उनकी पैरवी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी मतलब बात में मैं केमिकल के लिए नहीं रहूँगा कि केमिकल इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अपना दिमाग से, कुछ लोग करते हैं कि हर पानी पे यूरिया लगा रहे हैं, क्या जरूरत है, आलू निकल के सीधा नहीं हुआ यूरिया 10 किलो का बीघा, फिर दूसरे पानी पे यूरिया, पानी के साथ यूरिया, मतलब पानी और यूरिया का ऐसा संगम बना देते हैं कि वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये सब नहीं करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं।
बात करते हैं दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 1600 पर आलू बढ़िया की बात करें तो वही 200 से लेकर 225 रुपए तक बिक रहा है दोस्तों, 40 किलो के भाव हैं जीपन, ठीक है। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 100 से लेकर 125 रुपए तक दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, तो बढ़िया में और हल्के आलू में बहुत लंबा चौड़ा गैप बन गया है। वो गैप इसलिए बन गया है क्योंकि कुछ आलू बहुत ही ज़्यादा बंद कोल्ड स्टोरों का पहुंच रहा है, वो तो बहुत सस्ते बिक रहे हैं, और जो जो कोल्ड चल रहे हैं उनमें आलू ठीक रेट बिक रहा है। कुछ कोल्ड स्टोरों में दोस्तों आलू 150 रुपये कट्टा बिक रहा है, 200 रुपये कट्टा, कुछ कोल्डों में अभी भी 400 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है, कुछ में 450 भी बिक रहा है। तो ये कंडीशन है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। गुल्ले की बात करें तो गुल्ले की तो दोस्तों हालत ही ख़राब है, गुल्ला 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिक रहा है, 40 किलो के भाव दोस्तों कानपुर में। गुल्ला अगर बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर हो तो 100 से लेकर 125 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों 40 किलो की तौल। लोकल नवीगंज का वो बिक रहा है 200 से लेकर 300 रुपये तक एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया, और हल्की क्वालिटी की नवीगंज का 200 से 250 रुपये तक। आलू खुद के आता है तो दोस्तों क्वालिटी हर तरह की होती है उसमें, अच्छी भी होती है ख़राब भी होती है, तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है। बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया वो 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 7 से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहा है, और नया जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है गुवाहाटी मंडी में वो 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का दोस्तों 11 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं गुवाहाटी की मंडी में। दोस्तों अब क्या हो रहा है कि बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा आलू में क्या रूमर भी काम करता है, बारिश से ये हो जाएगा कि वहाँ बारिश हो रही है यहाँ बारिश हो रही है, तो उससे ये भी होगा कि भाव में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, नए आलू में सुधार आ सकता है, क्योंकि खुदाई रुक जाएंगी जगह जगह, जैसे कहीं किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पे खुदाई रुक जाएगी, जब खुदाई रुक जाएगी तो प्रभावित होगा, मंडी में गैप होगा और आलू के रेट कुछ बढ़ने की उम्मीद बन जाएगी। बात करेंगे दोस्तों मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी में बात करें दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू यहाँ पर बढ़िया 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी का दोस्तों नॉर्मल आलू 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहा है मदुरई में, और कोलार का जो नया आलू है वो 25 से लेकर 30 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और कुड़ई कनाल का 25 से लेकर 30 रुपये किलो तक बिक रहा है। पर दोस्तों कोलार का अब एंड हो गया मेरे हिसाब से, कोलार अब ख़त्म हो जाएगा, अब धीरे धीरे आएगा, बाकी वहाँ पे सोइंग भी कंप्लीट हो गई, अब नया आलू आने में टाइम लगेगा, वहाँ पे सोइंग हो गई दोस्तों कोलार में। जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया 3 से लेकर 5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 3 से लेकर 4 रुपये किलो तक बिक रहा है जयपुर मंडी में, और बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू दोस्तों नया 6 से लेकर 7 रुपये किलो तक बिक रहे हैं जयपुर की मंडी में, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का आलू 5 से लेकर 6 रुपये किलो तक बिक रहा है। बात करते हैं दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू वहाँ पे 10 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और हल्की क्वालिटी का कुल्ले उल्ले का आलू 5 से लेकर 7 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों मुंबई की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी तेज़ी रही, फिर अप डाउन भी होता रहा, फिर तेज़ी रही, ऐसे उतार चढ़ाव चलता रहा। इस समय वहाँ पर ज्योति आलू 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिक रहा है, और एक्स्ट्रा सुपर ज्योति आलू अगर होगा तो 500 से लेकर 550 रुपये तक मान सकते हैं आप, ये 50 किलो के भाव हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल के। मेमारी की बात करें तो 600 से लेकर 620 रुपये तक बिक रहा है मंडी में, और बोइंची की बात करें तो 550 रुपये से 580 रुपये तक बिक रहा है। अब दोस्तों मैंने विचार ये बनाया है कि आपको दवाओं के बारे में जानकारी प्रॉपर दे रहे हैं कुछ। अब एक महानुभव ने हमको फ़ोन किया, वो कह रहे हैं आपने क्या बीएससी एग्रीकल्चर किया है या क्या किया है, आप कैसे? दोस्तों मैं जानकारी देता हूं आप सभी लोगों को बारे में, जो लोग में इस्तेमाल होती हैं दवाएं, और जिन लोगों को हम बेचते हैं, हम दुकान चलाते हैं, करीब दुकान चलाते चलाते भी काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ी जानकारी भी हो जाती है, बाकी कृषि के बारे में जानकारी पूरी रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी बेस पे अपने प्रैक्टिकल बेस पे जानकारी देते रहते हैं, और इन सब चीज़ों से बेनिफिट होता है और होना भी चाहिए किसानों को। हमेशा कहते हैं कि उल्टा सीधा खेतों में कम लगाया जाए और पैदावार कम लागत में आलू की बढ़िया पैदावार ली जाए, और दोस्तों अपनी भी खेती करते हैं उससे जानकारी काफ़ी होती रहती है। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा, जानकारी देने की शुरुआत करूंगा मशीनरी के बारे में, एक आध वीडियो दिखाऊंगा कि कौन सी आलू खुदाई की मशीन अपने लोकल क्षेत्र में कौन बढ़िया बना रहा है और कितने की आती है, लोगों से बात करके मतलब किसानों को पूरी जानकारी देने का आलू के बारे में ये कोशिश रहती है हमारी दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आप सब लोगों को नए आलू की, तो नए आलू में आज कुछ सुधार आया है, पुराने कोल्ड स्टोर के आलू में भी 100 से लेकर 150 रुपये का सुधार आया है, जैसे आलू जो 250-300 बिक रहे थे वो अच्छे कोल्डों में अभी 400 रुपये बिकने लगे हैं, एक आध कोल्ड में मैंने सुना ही आई है 450 रुपये तक भी सौदा हुई है। तो दोस्तों जिन कोल्ड स्टोरों में इस रेट की सौदा अब अच्छे रेट की सौदा अच्छे रेट में आलू बिक रहा है, उन कोल्ड स्टोरों को चिन्हित करें, उन्हीं कोल्ड स्टोरों में आलू रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लेना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।